सारे लैपटॉप पैक करना बाकी है, मेरा ड्रेस करना बाकी है, सब कुछ बाकी है, सुबह का हो रहा है, 8 बज रहा है, आप लोग सोच रहे हो मैं सुबह सुबह ये सब कुछ क्यों दिखा रहा हूँ। एक्चुअली आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं कोलकाता के लिए। फाइनली हम लोग मूव टू नहीं हो रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। बहुत कुछ मैंने प्लानिंग किया है अपना यूट्यूब कैरियर के बारे में सोच के, सो आज वो व्लॉग शुरू होगा, कंटिन्यू व्लॉग आएगा। आप लोगों को व्लॉग देखना है और एक ही चीज़ करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और तो कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ करना है। और ये जो प्लान बनाई है सडन प्लान, एक्चुअली मेरे को भी पता नहीं था, पीयू को भी पता नहीं था, अचानक दिमाग में आया कि चलो एक बार घूम के आते हैं, तो चलो फटाफट बैग पैक किया और चलो। आज हम लोगों का 11:30 का फ्लाइट है, सो अभी ऑलमोस्ट हम लोग रेडी हो चुके हैं। अभी टिफिन बना रहा हूँ मैं, टिफिन बना के खा के फिर निकल जाएंगे। 9:30 को निकलना ही पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि मेरा बोर्डिंग टाइम जो है 10:50 का बोर्डिंग टाइम है, 11:30 का फ्लाइट है गो फर्स्ट, जो मैं फर्स्ट टाइम फ्लाई करने वाला हूँ ये फ्लाइट में। इससे पहले मैं इंडिगो में गया, थाई एयरवेज में गया, सिंगापुर एयरलाइंस में गया, लेकिन इसमें कभी नहीं गया, सो ये फर्स्ट टाइम है मेरा। एक्साइटमेंट में तो एक चीज़ बोलना भूल ही गया कि वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल पॉन्ग बाइसेप्स। मेरा फ़ोन हो गया है फुल्ली चार्ज, सब कुछ पैकिंग वगैरह सब कुछ कर लिया, ये बैग में भी कंप्लीट, इसमें भी कंप्लीट, इसमें भी कंप्लीट, सिर्फ ड्रेसिंग करना बाकी है। अभी 8:30 हो रहा है, अभी करके कोई फ़ायदा नहीं, 9 बजे करूँगा, 9:30 को निकल जाऊँगा। सिर्फ मेरे को जूता वगैरह पहनना है और बाकी ऑलमोस्ट तो सब कुछ मैंने पैक करके रख दिया, बर्तन वगैरह जो भी था सब कुछ धो दिया है, पीछे भी एकदम पूरा क्लीन एंड क्लियर कर दिया है पूरा, एकदम कुछ नहीं रखा, सब कुछ क्लियर, कपड़ा वगैरह। एक्चुअली रखने से क्या होता है, रख के जाऊँगा फिर भूल जाऊँगा, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। एक्चुअली इससे पहले क्या होता था, तभी हम लोग का मतलब फैमिली एक साथ सभी लोग रहते थे, मैं मम्मी पापा बीवी सब लोग एक साथ रहते, कहीं घूमने के लिए जाते तो प्रॉब्लम नहीं था, कोई ना कोई सब कुछ। अभी हम लोग का दोनों का, सिर्फ मेरा और मेरा बीवी का ही घर है, तो हम लोगों को ही संभाल के रखना होता है, सो इसलिए सब कुछ साइड कर दिया, सिर्फ अभी ये थोड़ा थोड़ा चीज़ है जिसको साइड करके रखना है और ड्रेस वगैरह करके निकल जाना है। मेरा आईफोन ऑलमोस्ट चार्ज हो चुका है, मतलब 98% हो गया है और थोड़ा सा 2% बाकी है, तो फ़ोन को मैं बिठाता हूँ चार्ज पे और मैं टिफिन वगैरह कर लेता हूँ, ड्रेस करके एकदम ड्रेसिंग करके पूरा फिट एंड फाइन होके आज का आउटफिट मेरा और वो रहा पीयू का। सो हम दोनों बेसिकली अंडमान टी शर्ट पहन लिए, क्योंकि एक्चुअली एक अंडमान का छोटा मेमरीज होता है, इतना दिन के बाद 1 साल के बाद जा रहा हूँ, बेसिकली मेरा 1 साल हो गया है, पीयू का भी 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन उसका जब 1 साल होगा तभी छुट्टी नहीं मिलेगा, इसलिए अभी जाके घूम के आ रहे हैं हम दोनों। और अभी 9:30 को हम लोग निकलने वाले हैं, सो आज का प्लान फुल सॉर्टेड है। यहाँ से अभी तो जाना है एयरपोर्ट, फ्लाइट पकड़ना है, जाना है, फर्स्ट फ्लाइट है मेरा गो एयर में, तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, मैं तो आप लोगों को एक्सपीरियंस बताने ही वाला हूँ। उसके बाद वहाँ पहुँच के पहले मेरे को कैमरा अपग्रेड करना है, उसके बाद मेरे को जाना है एक्चुअली पीयू को जाना है ब्यूटी पार्लर, पीयू जाओगे ना ब्यूटी पार्लर, वो जाएगा ब्यूटी पार्लर जाएगा, वहाँ से हम लोग स्ट्रेट जाएंगे शादी घर में। सो शादी घर जाने से पहले घर जाना है, हम लोगों को लगेज रखना है, रखने के बाद फिर वहाँ से फ्रेशन अप होकर ड्रेस चेंज करके हम लोग निकल जाएंगे। सो वीडियो कंटिन्यू होगा, लॉन्ग होगा, लेकिन ये वीडियो लगता है मैं कोशिश करूँगा कल को ये वीडियो रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि सरप्राइज ब्लॉग है, सरप्राइज ब्लॉग है, सो ब्लॉग तो बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है, बहुत ही। का डर था वही हुआ, अल्टीमेट बारिश फिर से हो गया, बारिश हुआ मतलब खतरनाक टर्बुलेंस मिलने वाला है रास्ते में फ्लाई करने के टाइम, और जो खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मेरे को पता है अंडमान से जब जाने के टाइम जब फ्लाई करता है वो टाइम में कैसा होता है, टर्बुलेंस लगता है, और अभी तो बारिश हो रहा है। तो फाइनली हम लोगों को बोर्डिंग मिल गया है ऑलमोस्ट ये वाला, अभी छोटा कितना छोटा बोर्डिंग हो गया, पहले तो इतना बड़ा बड़ा बोर्डिंग पास होता था, अभी छोटा भी ऑनलाइन सब कुछ हो गया, तो हम लोग को मिल गया, अभी वेट कर रहे हैं, अभी तक गेट नंबर अनाउंस नहीं किया, गेट नंबर अनाउंस होगा तो हम लोग चले जाएंगे। अभी फिलहाल कोटला टू चेन्नई चल रहा है, गो एयर का कोटला टू चेन्नई 304 उसका है, उसके बाद हम लोगों का है 102, एक्चुअली वो आधा घंटा पहले तो उसमें भी हम लोग का एक स्टाफ जा रहा है, तो उसको ही मैं ढूंढ रहा हूँ, बाहर उससे मिला लेकिन अंदर अभी कहाँ पर बैठा है मालूम नहीं मेरे को। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा देर तक, कब तक मिलेगा, जब थोड़ा ही देर वेट करना पड़ेगा, और किसी को बोला नहीं किसी को, सुबह ड्राइव मतलब हम लोग का जब बिट्टू दा है गाड़ी लेके आने वाला है, वो भी कॉल किया मेरे को कि कहाँ पे कब आएगा कौन आएगा, मैं बोला मेरा एक दोस्त आ रहा है बेसिकली, मेरे को यहाँ से जा रहा है मेरा एक दोस्त, उसको पिकअप करना है, मेरा नाम बोला ही नहीं, किसी को पता नहीं, छोटा सा भी भड़क नहीं घर में कि मैं हम लोग आ रहे हैं करके, फुल 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 सरप्राइज। फाइनली हम लोग वेट कर रहे हैं, एक्साइटमेंट तो हो रहा है, 1 साल के बाद हम लोग फाइनली जा रहे हैं और सरप्राइज
सरप्राइज प्लान मतलब और भी खतरनाक होने वाला है पूरा एकदम एक्सपीरियंस जो जा रहे हैं माइंडसेट दिखाई दे रहा है पीछे खड़ा है और आपका गो फर्स्ट किधर खड़ा है। सो एक तो टाइम था ऑलमोस्ट फ्लाई करने का कि 11:30, अभी ऑलमोस्ट हो रहा है टाइम 12:30, मतलब 12:30 बोल रहा हूँ, 12:10 हो रहा है ऑलमोस्ट टाइम। सो अभी लेट तो चल रहा है, वैसे भी आधा घंटा लेट है, अभी कब तक वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर उसके बाद मेरे को कैमरा खरीदने भी जाना है, मतलब आज हो गया पूरा मेरा एकदम। Subhash Chandra Bose International Airport's domestic terminal. The outside reported temperature is 33 degrees Celsius. We do hope you had a comfortable flight. On behalf of Captain Anna Sharma and the entire crew, we thank you for choosing to fly with GoForce. Rogue
पाया। लास्ट में बिट्टू दा को बोल ही दिया फोन करके कि हम लोग यार बोल रही हूँ कि दो मिनट रुक। एक्चुअली वो बाहर रुका है पार्किंग में, वो भी टेंशन कर रहे, उसको दूसरा नाम मैंने बताया कि वो आ रहा है करके, और उसका ट्रू कलर में भी मेरा नाम दिखाएगा कैसे भी करके। मेरा केश के पास तो वो नंबर ही था ना, इतना दिन से वो चल रहा था, अभी पर्सनल नंबर है, लेकिन एक टाइम में केश का नंबर ही था। वो भी टेंशन कर रहे हैं, ना नहीं टेंशन की जरूरत थी, मैं ही आ रहा हूँ, आप किसी को बोलो मत, सीक्रेट ही रखो इसको। ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालत देखो उसका, अभी लगेज कलेक्ट करना ही सिर्फ बाकी, और कुछ नहीं, क्योंकि लगेज आएगा 10 नंबर बेल्ट पे, वहाँ तक जाना उसको कलेक्ट करना, लेकिन थोड़ा सा लेट होता है, अप एंड डाउन होता है, पता है अभी फ्लाइट से उतरा, लगेज आने में 10-15 मिनट लेट हो जाता है। फिलहाल हम लोग बोल दिया है वहाँ पे गाड़ी भी वेट करेगा, प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी जाना है हम लोग को व्यू, अभी पहले कहाँ जाना खाने के लिए, अभी पहले कैमरा ले, बहुत अच्छा है आज फ्री के मुँह से निकला कैमरा लेना, मतलब है अभी ब्लॉग करना पड़ेगा, फिर मेरा गलत प्रिडिक्शन नहीं था। मैं पहले ही उनको बोल दिया था कि हम लोगों का घर पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट घर क्या एयरपोर्ट से निकलते निकलते 3 हो जाएगा। अभी कितना बजे है, इतना दिन का ट्रैवल करने का थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस रहेगा भाई, थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस का कदर होना चाहिए। उसको बार बार बोला कि एटलीस्ट 3 तो बज ही जाएगा, नहीं 1 में हो जाएगा, 1:30 बजे तो पहुँचेंगे, 2 बजे बाहर निकल जाएंगे, कभी भी पॉसिबल नहीं है, 3 ही बज जाता है, मेरे को एक्सपीरियंस है। रिमी तो अभी बाहर के लगने वाला है, इतना देर तक एसी में फिर बाहर निकला, और कलकत्ता में तो गर्म तो है ही, अभी बारिश तो नहीं दिखा रहे, थैंक गॉड बारिश नहीं है, बारिश होगा तो हो गया था आज का प्लान का शक्तियाँ नाश हो जाएगा। फिर भी चलो ठीक है, बिट्टू दा को कॉल करके बोल दिया कि गेट नंबर 3A 3B में मैं हूँ, वो आएगा उसके बाद ही हम लोग जा पाएंगे। बोला कि 10 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ, ठीक है आ जाओ, हम लोग रुके हैं यहाँ। बात बोलने से 1 साल के बाद जब मैं कोलकाता आया ना, अभी चुपचाप से मैं बैठा हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ सिर्फ रास्ता, भैया को मैं पूछ रहा हूँ, व्यू से बात कर रहा हूँ कंटिन्यू, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, एक एक रास्ता के बारे में मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, सिर्फ मैं देख रहा हूँ ये सब रास्ता में, एक टाइम में मैं घूमा हूँ लेकिन आज पता ही नहीं चल रहा है। 1 साल में अभी अंडमान का रास्ता पूछो मैं बोल दूंगा, लेकिन कलकत्ता का रास्ता मेरे को पूछोगे मेरा हो जाएगा खत्म, नहीं होगा मेरे से। इंसानों को कितना गर्मी लग सकता है होटल से निकल के, होटल के टेरिस में जाके एसी का फैन का हवा से देखो ठंड हो रहा है, हालत देखो दोनों का। हम लोगों ने सक्सेस कर दिया, आते साथ ही यहाँ पे कैमरा खरीदना था वो वाला हम लोगों ने ले लिया है, थोड़ा सा तगड़ा वाला पड़ा है हम लोगों को, ठीक है चलो, एक तो सपना था वो वाला कंप्लीट कर लिया, अभी यहाँ से जाना है, लेकिन अभी बिट्टू दा गया है वहाँ पे पार्टी, तगड़ा भूख लगा है, तगड़ा वाला भूख लगा है, अरे रुको आने को दो गाड़ी। बहुत दिन से एक सपना था कि एज अ यूट्यूबर मेरे को एक बार एक सेटअप खरीदना ही है, और मैं सच्ची में खरीदा, आज थोड़ा सा महंगा पड़ा जैसा कि मैं बोल रहा था, लेकिन चलो एटलीस्ट ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट नया सेटअप के लिए तो चल जाएगा अभी के लिए। फाइनली 11 बजे के बाद अभी जाके खाने का टाइम मिला है, वो भी थोड़ा सा खाएंगे क्योंकि शादी में भी जाना है। फाइनली इतना दिन के बाद एक कलर और ये फ्लेवर देखे ना, पानी आ रहा है, मतलब लिटरली मैं बोल रहा हूँ पानी आ रहा है, वेट नहीं कर पाऊंगा खाना है। कैमरा लिया लेकिन कैमरा का पोपट हो गया, पोपट ऐसा हुआ कि मेरा एक्चुअली मेरा मेमोरी कार्ड काम नहीं किया, मैं सोचा था कि मेरा मेमोरी कार्ड तो मेमोरी कार्ड मैं सोचा था कि थोड़ा बहुत काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ आके देखता है मेमोरी कार्ड काम नहीं करेगा। मेरा भाई तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, उससे चेक किया लेकिन वो भी काम नहीं हुआ, बोला नया वाला मेमोरी कार्ड खरीदना है अभी। सो अभी जाएंगे हम लोग शादी के लिए, शादी घर जब जाएंगे तब खरीद लेंगे एक नया वाला मेमोरी कार्ड। तो अभी ठीक है, अभी चलते हैं व्यू का घर में, बहुत लोग तो घर में तो पूरा सरप्राइज एकदम हो गया, अभी व्यू का घर में बाकी है अभी।